अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत होंगे। और आप देख रहे हैं लर्निंग एंड अर्निंग यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपने यूट्यूब चैनल पे थंबनेल कैसे बनाना है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल का बेसिक जो चीज़ है, आप थंबनेल अगर नहीं लगाते तो आपकी वीडियोज़ वायरल नहीं होती, आपका एक्सप्रेशन नहीं पड़ता, व्यूवर्स आप इतनी जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं आता। ठीक है, जब थंबनेल आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाते हैं तो आपके पास यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी से आपका थंबनेल देखते साथ ही यूट्यूब चैनल पे आपके आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मोबाइल पे आप इजीली टिप और टेक इसके साथ कैसे आप थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थंबनेल पे चाहिए पिक्सल लैब के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पिक्सल PIXEL पिक्सल लैब, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, और ये रही ये P लिखा हुआ है पिक्सल, और ये वाली एप्लीकेशन है। और जैसे ही इसको इंस्टॉल आप करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जस्ट ओपन करना है। ठीक है, अभी मैंने इसको ओपन कर दिया, और पहले का यहाँ पे एक थंबनेल बना हुआ था। बट सबर वेट 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 कि यहाँ से ओपन करते हैं इसे। ठीक है, आप इसे जैसे डाउनलोड करें ओपन नहीं, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और सबसे पहले आपके पास देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है ना, ये भी है और ये भी है, और जो आपको पसंद है वो लगा लें। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर ए लिखा हुआ, ए के बाद यहाँ पर ये जो डायलॉग सा बना हुआ इसके ऊपर भी नहीं आना, आपने यहाँ पर आना है, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि इमेज का साइज़ लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर के, पहले कलर का है, दूसरा ट्रांसपेरेंट का है, और थर्ड इमेज कलर है, इमेज साइज़ है, आपने ये लेना है। और यूट्यूब का जो थंबनेल है उसकी जो है साइज़ है वो ये है कि 1280 होना चाहिए। ठीक है, एक विड्थ और हाइट जो है वो 720 होनी चाहिए, राइट? तो आपकी ये होनी चाहिए थंबनेल, थंबनेल की लेंथ और हाइट। सही, आगे चलते हैं, इसको जस्ट आपने क्लिक करना है, ये आपके पास आ गया। और अभी बताऊंगा आपको इन शॉर्ट कि यूट्यूब चैनल आपने कैसे, सॉरी यूट्यूब चैनल क्या, यूट्यूब चैनल का थंबनेल कैसे बनाना है, एक प्रोफेशनल थंबनेल, और बहुत इजी एंड वेरी शॉर्ट मेथड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है ऊपर टॉप पे, यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे, यहाँ पे ये पेन ने पेन बना हुआ है, पेन को दबाएंगे तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट। बट जस्ट सेकंड, हमने क्या करना है, पहले हमने ये वाली थीम चेंज करनी है। इसको थीम को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जैसे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से ये कलर लेंगे, कलर लेने के बाद हम इसे रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वॉट एवर, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, और बट यूट्यूब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैकग्राउंड जो वाइट रखें, वाइट इज़ वेरी शोमेंट इम्प्रेशन पड़ता है इस पे ऊपर। ठीक है, और फिर आप एक के ऊपर आएंगे, आपने यहाँ पे प्रेस करना है टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और न्यू टेक्स्ट की जगह आप लिखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं अभी बात करता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, THUM थंबनेल यूट्यूब, यूट्यूब ये मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया हाउ टू मेक थंबनेल यूट्यूब। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ये देखिए एडिट का ऑप्शन है पहला, दूसरा डिलीट का है, तीसरा कॉपी का है, चौथा टू फॉर्मेट है, और ये जो कलर है ये वाला जो चीज़ है ये भी इस तरह से आगे पीछे करने के लिए इसे। ठीक है, और आगे देखें ये वाली चीज़ देखें, ये इसको दरमियान में करने के लिए, ये देखिए दरमियान में हो गया, और ये एक साइड पर, और ये इस साइड पर, ये टॉप पे, टॉप कॉर्नर पे, मिड पे, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट? तो अब देखिए इसको मैंने मिड में छोड़ दिया है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ में हमने क्या करना है, जैसे आप प्लस करेंगे आपका ये साइज़ बड़ा हो जाएगा, आपने इसको यहाँ पर जो आप साइज़ रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक ही लाइन में आ जाए यहाँ पर। ठीक है, आपने टिक अप ऑप्शन करना है, चेक करना है तो राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे पेंडिंग इसको छोड़ दें, कलर आ गया, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, रेड आ गया, ब्लैक भी हो सकता है, बट वाइट तो इस पर चलेगा ही नहीं, वाइट ब्लैक, और हम इसका कलर चलें ये शाइन कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद कलर के बाद आपके पास क्या है जी, टेक्सचर है। ठीक है, आप इसको ना छेड़ें, ये आपके काम का नहीं है। और उसके बाद आप इस माउस को छोड़ दें, फॉन्ट, फॉन्ट आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये लगा दिया। ठीक है, और अगर इसको अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप ये लगा दें, ठीक है, कोई भी फॉन्ट आप लगा सकते हैं, और इसमें तो सॉरी ये थोड़ा बाहर चला गया, हम यही लगाते हैं,
ये हमारे पास आ गया जी कलर फॉन्ट इसका आ गया। स्टाइल में देखें, स्टाइल में हमारे पास इसको बोल्ड भी हो जाएगा ठीक है, और इसका ये स्टाइल भी चेंज हो सकता है, बट ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अंडरलाइन भी हो सकता है, आप अंडरलाइन ना करें, और ये वाला कलर इसका ठीक है। और जैसे कि हम दोबारा से करते हैं, सॉरी स्टाइल में जाएंगे, बोल्ड करेंगे, और ये स्टाइल इसका थोड़ा सा स्लाइड में कर देंगे, चेक मार्क करें इसे। फिर आपने टेक्स्ट आगे न्यू लिखना है तो इसको खाली प्रेस करें ताकि ये वहाँ से हट जाए। फिर आप इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएं, इसी तरह एडिट पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू मेक यूट्यूब ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर ले आएँ दरमियान में, और इसका साइज़ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैंने ये साइज़ कर दिया इसका राइट, इसे भी टिक कर दें। अगर आपने यहाँ पर पिक ऐड करनी है तो पिक ऐड करने के लिए मैं आपको बताना भूल गया, इंपोर्ट भी जाएंगे आप, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ से कोई भी पिक उठाएं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई पिक उठाता हूँ, जैसा कि मैं ये अपनी पिक उठा लेता हूँ ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ कर डस्ट, ये देखिएगा ये इस तरह से ठीक है। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये फेस की पिक उठा ली इसी तरह राइट, तो चलिए वाट एवर फुली कर दें, इसी तरह कर दें। अच्छा आपने इसको जस्ट चेक करना है, तो ये आपके पास आ गई पिक, आप इसे जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और चाहें तो इसे एक साइड पे लगा सकते हैं ठीक है। एक पिक बनाने के बाद आप इसे बता सकते हैं कि ये जैसे कि आप यूट्यूबर्स की लगी हुई होती है ठीक है। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इधर है, अच्छी तो नहीं लग रही बट मैं आपको इन शॉर्ट समझाने के लिए बताने के लिए बता रहा हूँ, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, बिल्कुल आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और इधर लगा दें ठीक है। और ये बता दें साथ में कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, और सेकंडली के आगे और क्या ऑप्शन रहेगा, मैंने आपको जो ऑप्शंस बताने, यूट्यूब चैनल का थंबनेल तो आप खुद ही बना लेंगे बट ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ आगे। फिर यहाँ पर आप लिखें कि थंबनेल थंबनेल यूट्यूब इन फ़ोन लिख दें आप ठीक है, साथ में ये आइकन भी दे दें, ओके पे क्लिक करें। आपके पास फिर एक आएगा क्रिएट, और आपने फिर क्या कहते हैं साइज़ चेंज करने के लिए आप इसको इस तरह वैसे कर सकते हैं, ये देखें जैसा कि जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने इसको इस तरह लिख दिया, और अभी इसका मैं साइज़ बड़ा करने लगा हूँ, और ये देखिएगा ये साइज़ पर गया हम, और साइज़ से इसको प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो गया ठीक है एज़ देट। और हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अभी इस दफ़ा रेड कर लेते हैं, और इस रेड का थोड़ा फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट में जाएंगे और जल्दी से इसको करेंगे, ये फॉन्ट बन गया ठीक है। ये इस तरह का एक मैंने एक बहुत ही ना सिंपल सा थंबनेल बनाया है। अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है पिक का तो वो भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं ठीक है। आपको जैसा कि बताया था कि यहाँ पर जाएँगे आप और कलर पर जाएँगे, कलर पर जाने के बाद आपने इसे रेड भी करना है, रेड कर सकते हैं बट ब्लैक कर लें ठीक है, और वाइट भी आप कर सकते हैं, इसे वाइट ऑलरेडी था बट आप इसे शाइनिंग में भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको क्लिक कर दें। तो इस तरह के आप थंबनेल बना सकते हैं ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी तरीके से। तो यहाँ तक काफ़ी है, आपको समझ आ गई होगी थंबनेल कैसे बनाना है, तो आगे आप खुद बना सकते हैं इजीली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और साथ में ये इस तरह ये एक चीज़ लग गई थी इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह करते हैं तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने सबसे पहले आप तक पहुंच सके बर वक्त। आज मैंने आपको ये बताया, ओ सॉरी इसको बताया भूल गया, इसको सेव कैसे करना है, ये ऊपर ऑप्शन बनना है सेव है, सेव एज इमेज और गैलरी, आप इसे इमेज करें तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी ठीक है। और सेव होने के लिए आपने ये सेव एज गैलरी का ऑप्शन दबाना है, ये जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये इमेज सेव होगी ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरा ख्याल रखें, इस यूट्यूब चैनल का स्पेशली, और बेल आइकन सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूट्यूब चैनल का फुल कोर्स चल रहा है ठीक है, आप पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और ठीक है आप अर्न करें, पहले सीखें फिर अर्न करें ठीक है, फिर दूसरों को भी सिखाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।